नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आ रही है, आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको एक ब्रेकिंग जो न्यूज दी थी वो ये दी थी कि जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन है, सीईओ हैं परवेज अहमद, उनको हटा दिया गया है और आरके चिबर जो है उनको नया चेयरमैन बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद एक बड़ी खबर इससे में आ रही है कि स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का जो है उसके द्वारा रेड की गई है। जो जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां पर इस समय रेड जो है वो चल रही है और पूरी जानकारी अभी इस समय निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। जिस तरह से सबसे पहले यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के द्वारा आपको ये खबर बताई गई थी, दिखाई गई थी कि जो जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ हैं परवेज अहमद, उनको बदला जा चुका है और आरके चिबर जो है उनको नया जो सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर यह है कि जो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस समय रेड की जा रही है। जो जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां पर आपको बता दें कि लगातार आरोप लगते रहे थे जम्मू कश्मीर बैंक के जो सीईओ हैं परवेज अहमद उन पर और जम्मू कश्मीर बैंक पर, और कहीं ना कहीं जो नज़र थी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट की, उन पर कहीं ना कहीं नज़र थी कि जिस तरह की धांधलियां वहां पर हो रही थी। और जिस तरह से कुछ देर पहले की बात करें तो जिस तरह से बैंक पीओ की पोस्ट के जो रिजल्ट्स थे वो वहां पर जो घोषित किए गए थे, और उसके बाद लगातार आरोप लग रहे थे कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो अलग अलग जिलों के लिए एक अलग अलग मेरिट वहां पर था और कहीं ना कहीं वहां पर संदिग्ध जो कुछ भी नजर वहां पर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वहां पर अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग मेरिट जो था वो बनाया गया था और वहीं से ही यह दर्शाता था कि यहां पर कुछ गड़बड़ी जो है वो जरूर चल रही है। और अंततः आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक के जो सीईओ हैं परवेज अहमद, उनका तबादला हो गया है, उनकी जगह आरके चिबर जो कि जम्मू के पहले, जिस तरह से आपको बता दें कि एक लंबे समय से इंतजार कर रहा था जम्मू कि उनको जम्मू का जो है वो सीईओ मिले, और अंततः अब जो जम्मू का सीईओ आरके चिबर है उनके रूप में मिला है। और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ लेट जुड़े हैं, जो व्यूअर्स हमारे साथ लेट जुड़े हैं, उनको ये बता दें, पहले तो बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ परवेज अहमद जो है उनका तबादला कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है और नए जो चेयरमैन है जम्मू को पहला जो जम्मू का चेयरमैन है आरके चिबर वो मिल रहा है। और दूसरी खबर आप बता दें कि जैसे ही उनका तबादला हुआ और उस कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर जो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां पर इस समय रेड जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ समय से नजर जो थी वो जम्मू कश्मीर बैंक पर रखी जा रही थी और धांधलियां जिस तरह से वहां पर आरोप लगाए जा रहे थे, बैकडोर एंट्रीज वहां से हो रही थी, और आखिरकार इस सब को देखते हुए जो गवर्नर इंतजामिया थी उन्होंने फैसला लिया और जो जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ थे परवेज अहमद उनको बदला गया, उनको हटा दिया गया, उनका तबादला किया गया, उनके जगह जो नए जो सीईओ थे उनको लाया गया। और अब उसके कुछ ही मिनटों के बाद रेड जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में वहां पर इस समय की जा रही है। अभी तक पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि वहां पर क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर इस समय रेड जो है वो चल रही है जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में वहां पर। और यह हुआ तब जब सीईओ जम्मू कश्मीर बैंक के परवेज अहमद, उनका जब तबादला कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो लगातार जो हैं वो गड़बड़ी फैला रहे हैं और बैकडोर एंट्रीज वो वहां पर करवा रहे हैं, और ये आरोप कुछ देर पहले जिस तरह से बैंक पीओ की जो पोस्ट आई थी उसमें सही साबित होते नजर आए थे, और प्रदर्शनों के बाद झुक गया जम्मू कश्मीर बैंक और परवेज अहमद और उस फैसले को बदल लिया गया था। और अब अंततः जब उनको हटाया गया और जम्मू कश्मीर स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो अभी इस समय जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में वहां पर रेड इस समय वहां पर चल रही है। बने रहिए मेरे साथ ताजा अपडेट के लिए, जैसे ही एक नई अपडेट आती है तो उस नई अपडेट को लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए मुझे रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहें यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। नमस्कार।